दोस्तों एलसीड इन्वेस्टमेंट का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 17 रुपीज़ पर शेयर लिस्टेड मार्केट में, और अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर ट्रेड हो रहा है कुछ 1,68,000 पर शेयर पर। अब इतना डिफरेंट कहाँ से और कैसे? तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एलसीड ने एशियन पेंट्स के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं जिनकी वैल्यू अराउंड 8,000 करोड़ की है। इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कुछ अराउंड 2 लाख के हैं एलसीड के, तो इसकी टोटल वैल्यू लिस्टेड मार्केट में बनती है 34 लाख की। और इस रेंज में इस कंपनी को कोई और कंपनी भी एक्वायर कर सकती थी, और अगर ऐसा होता तो ये 8,000 करोड़ भी उसी कंपनी के पास चले जाते। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी ने अपने शेयर्स को डीलिस्ट करने के बारे में सोचा, और अगर ये डीलिस्टेड शेयर्स को कंपनी ओवरऑल देखे तो उसकी वैल्यू भी अराउंड 8,000 करोड़ की ही बनेगी, और प्रमोटर्स इसी शेयर प्राइस पर यानी रुपीज़ 1,68,000 शेयर प्राइस पर इसमें शेयर्स को डीलिस्ट करना चाहेंगे। इस डीलिस्टिंग एक्सरसाइज के बाद मेंबर्स ऑफ प्रमोटर्स ग्रुप के पास कंपनी की 100% होल्डिंग आ जाएगी। इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने इस शेयर पर कई करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर फॉलो करें।